बताओ गलत कह रहा हूँ बेटा। अच्छा हमेशा वर्तमान देखती है। आज तो कोई तेरी वीडियो वायरल हो जाए। ये कौन सा कलर लगा दिया आपने? नमस्कार मित्रों, नमो नमः। मैं हूं मुकेश दीवान आपके साथ। अब बात करते हैं हम किस पे, समाज पे, और समाज में भी कुछ उदाहरणों को साथ में। चलिए मित्रों, समाज समाज को लेकर के हम चलें, और ये समाज आज जो हम रखेंगे इसमें, वो रखेंगे हम कौन सा, तत्पुरुष में ही चल रहा है, तो अभी तत्पुरुष में भी बहुत सारे समाज विशेष हैं, उसको भी लेके हम चलें, उदाहरण देखें। यहां हम करें तत्पुरुष के अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण। अन्य उदाहरण की जब बात करें तो बात है, आइए इस बात को हम आगे बढ़ाएं और देखें कि अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे कि एक उदाहरण है, समास पद विशेष में जाएंगे हम, देखेंगे वहां समास पद और समास विग्रह। समाज का नाम भी लिखेंगे, समाज का नाम क्या होगा? तो सबसे पहले मेरे पास है अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द है, अतिथि, अतिथि के बाद हमारे पास है अविवेक, अनावश्यक, अनुदित, अनुद्योग, नास्तिक, ये सारे के सारे उदाहरण हैं, तत्पुरुष समास के ही उदाहरण हैं। अब इनका हम समास विग्रह करेंगे, तो समास विग्रह है न व्यय इति अव्यय। समास कौन सा है? नये तत्पुरुष, न तिथि, न विवेक, न आवश्यकम्, न उदित, न उद्योग, न आस्तिक। इस तरह से मित्रों, ये सभी जो उदाहरण हैं, ये सारे सारे उदाहरण नए तत्पुरुष समास के हैं, ये भी नए तत्पुरुष का है,
ये सभी उदाहरण नए तत्पुरुष के हैं। और यहाँ अब सबसे बड़ा ये ध्यान रखना है कि जब नए तत्पुरुष में ये उदाहरण है हमारे पास, तो तत्पुरुष समास के उदाहरण भी वो एग्जाम में पूछता है, तो हमें यहाँ पर उत्तर भी देने होंगे। इसी प्रकार तत्पुरुष के अन्य उदाहरणों की बात करूं, तत्पुरुष ही है, तत्पुरुष समास में ही समास पद समास विग्रह समास का नाम अब आता है। सबसे पहले उदाहरण और विशेष में भी चलना होगा, क्योंकि उदाहरण तो उदाहरण है, उदाहरणों को जब तक नहीं देखेंगे तब तक क्या हो सकता है, क्योंकि उदाहरण जब तक सामने हो तभी आनंद आता है। तो कहा साहब प्राचार्य प्रपितामह प्रमातामह प्रदेश अतिमालः अतिमूल अव कोकिला और यहां पर ये उदाहरण है, इनको लेके चले और यहां समास विग्रह देखें तो कहा प्रगत आचार्य प्रगत पितामह प्रगता मातामही प्रगत प्रकष्ट देश है प्रकष्ट देश अतिक्रांत मालाम अतिक्रांत मूलम और अवकृष्ट कोकिलया। समास की बात करें तो प्रादि तत्पुरुष समास हो रहा है इन सभी जगह पर। इन सभी जगह पर समास जो हो रहा है वो प्रादि तत्पुरुष समास है इन सभी उदाहरणों में। और भी उदाहरण यदि हम रखते चलते हैं तो मेरे पास अगला आठवां उदाहरण है पर्याध्ययन परिग्लान अध्यय नाय। उदाहरणों की बात करें तो निष्कौशाम्बी समास विग्रह निष्क्रांत कौशाम्ब्या ये उदाहरण है किसके प्रादि तत्पुरुष समास के ये उदाहरण है। इन उदाहरणों को भी हमें ध्यान रूप से देखना रखना होगा,
क्योंकि परीक्षक के द्वारा ये प्रश्न पूछे जा गए हैं और पूछे जाएंगे। प्रादि तत्पुरुष के बाद में यदि हम तत्पुरुष के अन्य उदाहरणों पे बात करें तो दसवां उदाहरण रखता हूं मैं यहां, और उसमें हम रखते हैं अस्तंगता। दिवंगत अस्तंगत दिवंगत मनसाकृतम जनुसांध आत्मने पदम परस्मै पदम अल्पादागता युधिष्ठिर। ये जो उदाहरण है ये सारे के सारे तत्पुरुष में है, और तत्पुरुष में ध्यान रखना होगा समास विग्रह अस्तम गता, और अस्तम गत है कब और कहाँ होगा ये भी ध्यान रखिएगा। ये है अलुक तत्पुरुष समास। दिवं गता इसमें भी यही समास है। मनसा का मनसा कृता इसमें भी यही है। जनुषा अंध समास विग्रह है। आत्मनि पदम शब्द में भी यही है। परस्मै पदम इसमें भी यही है। अल्पात आगत इसमें भी यही है। युधिधन स्थिर इसमें भी यही है। कुल मिलाकर के अलुक तत्पुरुष समास होगा इन सभी में। तो यहां पर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि यहां तत्पुरुष समास के कौन कौन से उदाहरण है। तत्पुरुष समास में ये विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। अब हम चलते हैं तत्पुरुष के बाद में बहुव्रीहि में। बहु व्रीहि समास में बहुव्रीहि समास में समास पद और समास विग्रह, समास विग्रह की बात करें तो यहां पर हमारे पास है बहुव्रीहि समास में नंबर एक समास का नाम, समास के नाम पे चले। बहुव्रीहि समास में जब दो विशेष पद होते हैं तो यहां ध्यान रखना होगा जैसे कि प्राप्तोदगः प्राप्त धनः ऊढ़ रथः दत्त बलि उपहृत पशु पतित पण
और वीर पुरुष का यहां पर उदाहरण मैंने जो रखे हैं उस पे जाएं और देखेंगे तो यहां आ रहा है प्राप्तम उदकम यम सा, जिसे जल प्राप्त, जिसको जल प्राप्त है। और यहां पर बहुव्री में क्या है, कौन सा समास है वो भी देख ले, द्वितीय बहुव्रीही और उस किस में है ये समानाधिकरण बहुव्री में। बहुव्रीही में समानाधिकरण बहुव्री का उदाहरण है। प्राप्तम धनम यम से, जिसे धन, जिसको धन प्राप्त है। ऊढ़ः रथः येन सह, तो यहां पर क्या हो गया तृतीय बहुव्रीही, बहुव्रीही तृतीय बहुव्रीय होगा यहां पर। फिर कहा तत्त बलि यस्मै स, भाई जिससे रथ वहन किया जाए वो ऊढ़ रथ है, और दत्त बलि यस्मै से, जिसको जिसे बलि दी जाए वो चतुर्थी बहुव्री में उदाहरण है ये। उपहृत पशु यस्मै स, ये भी चतुर्थी बहुव्री का उदाहरण है। पतितानि पर्णानि यस्मात् स, ये भी जो है पंचमी बहुव्री का है, ये पंचमी बहुव्रीहि का समास का उदाहरण है। और सप्तमी का है वीरा पुरुषा संति यस्मिन सा, ये सप्तमी बहुव्री का है। अभी हम षष्ठी की ओर देखेंगे, तो सारे सारे समानाधिकरण विशेष के हैं और वो भी बहुव्रीहि के उदाहरण है, जिसमें प्राप्त उदकह का अर्थ होता है जिसको जल प्राप्त, तीसरा अर्थ है गांव। फिर है प्राप्त धन है, प्राप्तम धनम यमस है, जिसको धन प्राप्त है वो है राजा। ऊढ़ रथा येन सह, जिससे या जिसके द्वारा रथ वहन हो, वह कौन, वृषभ है बैल, तृतीय तत्पुरुष। और दत्त बलि, दत्तः बलिः यस्मै सः, चतुर्थी बहुव्री है यहाँ पर। और उपहृत पशु, उपहृतः पशु यस्मै सः, यहाँ भी चतुर्थी बहुव्री समास होगा। पतित पर्ण की बात आई, पतितानि पर्णानि यस्मात् सः, पंचमी हो रही है जिससे पत्ते गिरते हैं, वह कौन, वृक्ष। और वीर पुरुष का है वीरा पुरुषा संति यस्मिन से, कि वीर पुरुष है जिसमें, वह क्या है गांव है, तो यहां पर सप्तमी बहुव्रीय समास है। अब हम षष्ठी के उदाहरण लेके चलते हैं बहुव्री में और देखते हैं बहुव्री में षष्ठी के कौन कौन से उदाहरण हैं बहुव्रीय समास। षष्ठी बहुव्रीहि, और षष्ठी बहुव्री में भी कौन सा समानाधिकरण, बहुव्रीहि।
तीनों कंडीशंस में ध्यान रखें। उदाहरण नंबर एक, और पहले हम रख लें इसको समास का नाम, पहले ये रखें समास पद, फिर रखेंगे हम समास विग्रह, और फिर समास का नाम। तीन चीजें हमें यहां रखनी होंगी। पहला हमारे पास में है नीलांबर, दूसरा है पीतांबर, तीसरा उदाहरण हम यहां रखें तो दशानन, द्विमूर्ध, त्रिमूर्ध, चतुर्भुज, पंचानन, षडानन, इन सब में बहुव्रीही समास है और वो भी षष्ठी बहुव्रीही समास होगा। नीलम, अंबरम, यस्य से षष्ठी बहुव्रीही। नीला है अंबर, यानी नीले हैं कपड़े जिसके, वह कौन? नीलांबर। पीतम, अंबरम, यस्य से दश, आननानी, यस्य से द्वौ, मूर्धानौ, यस्य से जिसके दो जीभ हो, जिसके दस सर हो दशानन, और जिसके दो जीभ हो द्विमूर्धन, द्विमूर्ध है अर्थात द्विमूर्ध का अर्थ हो गया मित्रों सर्प के दो जीभ होती हैं, त्रिमूर्ध है, त्रय, मूर्धान, यस्य से। चतुर्णाम, भुजानाम, यस्य से चार भुजाएं हैं जिसकी, पंच, आननानी, यस्य से पांच मुख हैं जिसके, और षट, आननानी, यस्य से छह मुख हैं जिसके, वो षडानन हो गया है। यहां पर नीलांबर है, पीतांबर है, दशानन है, द्विमूर्ध है, त्रिमूर्ध है, चतुर्भुज है, पंचानन, षडानन, ये सारे सारे उदाहरण किसके हैं? ये आपके हैं बहुव्रीही के, षष्ठी बहुव्रीही के। और इसके बाद में हम लेके चलें और देखें उस पे चलें, तो हमारे पास आता है रूपवद भार्य, सुकेशी भार्य, महा यशस्के, प्रिय सर्पिष्के,
क्षण मातुर तो इन पदों में जाएंगे तो देखेंगे रूपवत भार्या यस्य से षष्ठी बहुव्रीहि में चल रहा है और यहां पर हमें दिखाई दिया सुकेशी भार्य सुकेशी भार्या यस्य से महा यश महान यस्य से प्रिय सर्पी यस्य से और षणानां मातृणां यस्य से इस तरह से आपके पास में यहाँ पर षष्ठी बहुव्रीहि के ये सभी उदाहरण हैं जिन्हें आप देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। यहाँ प्रेक्षक जो है विशेष रूप से प्रश्नों को पूछते समय विशेष ध्यान रखिएगा, प्रेक्षक धैर्य के साथ में पूछता है तो आप भी धैर्य के साथ याद भी कीजिएगा। और मित्रों ये निश्चित है कि आपके द्वारा जो भी जो है यहाँ है वो आपको याद होगा क्योंकि उदाहरण हमने यहाँ पर विशेष रूप से रखे। तो मित्रों ढेरों शुभकामनाओं के साथ बहुव्रीहि समास का समानाधिकरण आज हमारा कवर हुआ है। अगली क्लास में लेंगे। ढेरों शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।